Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली की जनता की तरफ से मैं अपने पंजाब से आए हुए सभी किसान भाइयों का करता हूं। लेकिन खुशी के मौके पर आप लोग तो मुझे आपका स्वागत करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। आज सब लोग दुख के मौके पे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था ये टाइम तो वो है जब खेतों के अंदर धान की कटाई करने का समय, अगली फसल बुआई करने का समय किसान खेतों के अंदर होना चाहिए। अगर किसान को बेचारे छोड़ के दिल्ली आके जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ता है, पूरे समाज के ऊपर यह जो कानून, इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के मैं उनको कहना चाहता हूं, कम से कम 15-20-25 साल तक देश के अंदर अनाज की भारी कमी होती थी। हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। उस टाइम ये कंपनियां काम नहीं आई थी। उस टाइम सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत करके, पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में मेहनत करके इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जन्म दिया। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये किसानी, आज किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल गलत है। 2014 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। करा था कि नहीं करा था? उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है एमएसपी कितना होगा, जितनी लागत उसका 50% ज्यादा, डेढ़ गुना एमएसपी, डेढ़ गुना होगा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है। तो जब वोट मांगने आए थे बीजेपी वाले, बोले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी डेढ़ गुना लागत का देंगे, और इन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। एमएसपी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं अखबार में पढ़ता हूं, अखबार में आता है जी पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाते हैं सरकार, केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाती है, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हो तो इसका मतलब यह थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी पे केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है 100% फसल एमएसपी।
आधी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए और डेढ़ गुना फसल दाम मिलना चाहिए, इसका लागत का डेढ़ गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है और कर दिया तुमने उल्टा, किसान से पूछा ही नहीं, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों ये तो पीठ में छुरा घोपा है किसानों के लिए, ये तो बिल्कुल गलत करा है। मुझे ज्यादा दुखी होता है कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, संसद के अंदर कुछ करती हैं, बंद कमरे में कुछ करती हैं और फिर आके जनता के बीच में प्रदर्शन करने का नाटक करती हैं। पंजाब के अंदर एक पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ा नेता उनका, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में उनका नेता मौजूद था कि नहीं था? कौन था? कौन था? उनका नेता मौजूद था कमेटी में, उसने बैठ के कानून बनाया, उसने बैठ के एक एक क्लॉज लिखा, उसने कैबिनेट में बैठ के कानून पास कराया, उसने कैबिनेट में बैठ के बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को, जी बड़ा अच्छा कानून पास कर रहे हो, उसने लोकसभा में बैठ के कानून पास करा दिया और जब सब हो गया कानून पास हो गया तो इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हें क्या लगता है सारी जनता बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है सब बेवकूफ है, समझते नहीं है? अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ? तुम्हारे अपने कानून के खिलाफ, जिस कानून को तुमने बनाया, जिस कानून को तुमने पास कराया और तुम सड़क के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी इन किसान विरोधी तीनों कानूनों का सख्त विरोध करती है और हमारी मांग है पहली चीज इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पे कोई समझौता या कुछ नहीं हो सकता, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी चीज है एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए, ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी पूरे देश के अंदर, ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। एमएसपी का कानून लाया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी और डेढ़ गुना दाम मिलेंगे, लागत का डेढ़ गुना, ये कानून की जरूरत है, ये कानून लाया जाए। दिल्ली में किया हम लोगों ने, दोस्तों दिल्ली के सभी लोग आपकी लड़ाई में इसके साथ हैं। किसान अन्नदाता है, 24 घंटे इतनी धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप है, हम लोग तो 10 मिनट बैठ जाए तो पसीने आ जाते हैं और किसान तो 24 घंटे ऐसी धूप में काम करता है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से आप लोगों को सहयोग। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.